हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस, अजीत रोड, बठिंडा. माय कॉन्टैक्ट इज 9463625680. वी आर डूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर. टुडे इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, कि हमने किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो बैलेंस करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे. हमने प्लस वन में किए थे दो मेथड्स, एक तो था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो मैं उसमें से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है वो उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये हमें यूज में आएगा. तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में राजे क्या होता है कि हमने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना है. जैसे कि हमें दे रखा है Cr2O7, इसके ऊपर -2 चार्ज है और इट गिव राइज टू Cr के ऊपर +3 चार्ज. ठीक है, एसिडिक मीडियम आपको दे रखा है, इसको बैलेंस करना है रिएक्शन को. किसको बैलेंस करो? बाय मीन्स ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ठीक है, तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसको बैलेंस करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है इसमें बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स होते हैं सभी को बैलेंस करना स्टार्ट करो. जैसे यहाँ पे Cr2O7 में ऑक्सीजन 7 है, इसको छोड़ दो. सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करो. यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं? 2. यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं? 1. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा? 2. ठीक है, देखो इस साइड पे भी 2 हो गए क्रोमियम, इस साइड पे भी क्रोमियम 2 हो गए. सो क्रोमियम आर बैलेंस्ड. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या आएगा? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O ऑन अदर साइड. ठीक है, अब हमने क्या करना है? देखो ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी को बैलेंस करो. बाकी सभी तो क्रोमियम ही था, अब बाकी रह गया ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है बाय एडिंग वाटर ऑन ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड. ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे Cr2O7 के ऊपर -2 चार्ज था, Cr को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा दिया, तो Cr तो बैलेंस हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे, तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने इस साइड पे 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए. मतलब जितने ऑक्सीजन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन कम थे. ठीक है, तो इस साइड पे हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए. मतलब ये आपको याद रखना है कि जितने भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिए 7 वाटर. तो अब यहाँ पे क्या हुआ? 7 ऑक्सीजन हो गए तो 2 Cr हो गए. देखो 7 ऑक्सीजन 2 Cr. अब यहाँ पे क्या बढ़ गया? हाइड्रोजन बढ़ गया. हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? 14 हो गए. ठीक है, हाइड्रोजन हो गए 14. तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? देखो स्टेप 3, टू बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव ऑन अदर साइड और H पॉजिटिव डेफिशिएंसी साइड हम लिख सकते हैं. तो हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं उस साइड पे H पॉजिटिव ऐड कर दो. जब भी आपको एसिडिक मीडियम दे रखा होता है तो आपको एक परमिशन होती है कि आप H पॉजिटिव ऐड कर सकते हो अपनी अपनी तरफ से. तो यहाँ पे देखो, तो Cr2O7 2 नेगेटिव एरो, 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे 14H बढ़ गए थे, तो इनको बैलेंस करने के लिए 14H पॉजिटिव हम दूसरी साइड पे ऐड करेंगे. यहाँ पे हाइड्रोजन कम थे, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम थे तो इस साइड पे हमने 14H पॉजिटिव ऐड कर दिया. ठीक है, तो स्टेप 4 क्या हो गया? स्टेप 4 क्या हो गया? बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड. ठीक है, तो यहाँ तक ये तो सारा कुछ बैलेंस हो गया. अब चार्ज की बारी आ गई. देखो चार्ज में डिफरेंस है, तो चार्ज को बैलेंस कैसे किया जाता है राजे? देखो यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज है? 14 पॉजिटिव, मतलब 14 प्लस हो गया. ठीक है, यहाँ पे कितना नेगेटिव है? 2 माइनस. 14 प्लस में से 2 माइनस निकालो, कितना रह गया? 12 पॉजिटिव रह गया. यहाँ पे इस साइड पे जो चार्ज आएगा वो 12 पॉजिटिव है. अच्छा, इस साइड पे चार्ज देखो आप, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है. ठीक है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना है? 2 पॉजिटिव. 2 इंटू 3 पॉजिटिव कितना आ गया? 6 पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना बचा था? 12 पॉजिटिव. तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव है, यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज है. तो इस चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे? तो चार्ज को बैलेंस करने का एक चीज याद रखो आप, कि जिस साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतने उतना इलेक्ट्रॉन उधर ऐड कर दो. जैसे देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज आया वो आया 12 पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज 12 में था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना था? 6 था, 6 पॉजिटिव. ठीक है, अच्छा यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 6 था. तो इस साइड पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पे हम उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं जितना ज़्यादा होता है. तो कितना ज़्यादा है? इससे 6 ज़्यादा है ये वाला. ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे. तो देखो आप, यहाँ पे पहले क्या था? 14H पॉजिटिव,
Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। इस साइड पे क्या था, 2 Cr3 पॉजिटिव और 7 वाटर। पहले तो ये वाली सारी रिएक्शन लिख लो नॉर्मली। अब इस साइड पे हमने क्या ऐड कर दिया, नई चीज, 6 इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने डिब्बे में बंद कर रखा है ताकि आपको पता चल सके। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ से आपको दिखा रखा है, 14 पॉजिटिव चार्ज है माइनस 2 12 हो गया, यहाँ पे 6 है तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो यहाँ पे भी प्लस 6 रह गया और इस साइड पे भी प्लस 6 रह जाएगा। कैसे रह जाएगा, देखो 14 में से माइनस 2 किए 12 पॉजिटिव था, यहाँ पे 12 पॉजिटिव में से माइनस 6 किए तो 6 पॉजिटिव रह गया। इस साइड पे भी 6 पॉजिटिव, इस साइड पे भी 6 पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये तो हो गया एसिडिक मीडियम की बात। इसके बाद क्या आता है, इफ रिएक्शन हैज टू बी बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम। सपोज आपको एसिडिक ना दे के बेसिक मीडियम दे रखा हो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड स्टेप 4 आर सेम एज दैट ऑफ इन एसिडिक मीडियम। देखो अगर सपोज करो इस रिएक्शन में आपको एसिडिक मीडियम ना दे के यहाँ पे कोई बेसिक मीडियम दे रखा होता, तो आपका स्टेप 1 मतलब बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये भी सेम रहता। स्टेप 2 उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, स्टेप 3 हाइड्रोजन को बैलेंस करो, स्टेप 4 चार्ज को बैलेंस करो, ये चारों स्टेप सेम आएंगे अगर बेसिक मीडियम दे रखा हो। तो चेंज क्या आएगा, चेंज बताता हूँ आपको। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड स्टेप 4 आर सेम एज दैट ऑफ इन एसिडिक मीडियम। स्टेप 5 में क्या आएगा, स्टेप 5 में आएगा एड OH नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स इन सेम अमाउंट एज H पॉजिटिव आर प्रेजेंट, ठीक है। देखो हमने जो पिछले वाली रिएक्शन थी वहां पे क्या निकला था, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, वो हमने ऐड किए थे लास्ट पे, आपको याद ही होगा, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर, यहाँ तक हमने बैलेंस किया था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते जितने H पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट हैं उतने ही OH नेगेटिव इस साइड पे, उतने ही OH नेगेटिव दूसरी साइड पे ऐड कर दो, अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पे 14 H पॉजिटिव थे, ठीक है, उतने ही OH नेगेटिव मतलब 14 OH नेगेटिव इस साइड पे ऐड कर दो, 14 OH नेगेटिव ही उस साइड पे ऐड कर दो बस, ठीक है। जब आपने OH नेगेटिव दोनों साइड पे ऐड कर दिए तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, 14 H पॉजिटिव और 14 OH नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो तो स्टेप 5 में क्या क्या करना है हमने, कि जितने H पॉजिटिव ऐड किए हुए थे उतने ही OH नेगेटिव बोथ साइड पे ऐड करने हैं, बस ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। स्टेप 6 आ गया, इसमें क्या होगा, ज्वाइन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव टू फॉर्म वाटर इफ पॉसिबल। देखो अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों एक साइड पे प्रेजेंट हो तो उनको ऐड कर दो, वाटर बना दो। इस साइड पे तो देखो ओनली 14 OH नेगेटिव और H पॉजिटिव तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वाटर की फॉर्मेशन होगी नहीं, तो यहाँ पे ही होगी। तो हम यहाँ पे वाटर बनाने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पे हो गए 14 H2O, यहाँ पे क्या हो गए, देखो 14 H2O बन गए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर, एक वाटर, तो 14 कितने बनाएंगे, 14 वाटर बनाएंगे। देखो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर प्लस 14 OH नेगेटिव, दिस इज आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा अमेंडमेंट करके इसको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पे आ गया 7H2O, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 14 OH नेगेटिव। ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे 7 वाटर थे इस साइड पे 14 वाटर है, ठीक है, 14 में से 7 निकाल दो तो 7 वाटर इस साइड पे हमारे पास बचे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू।